हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन दास। तो आज मैं बात करने वाला हूँ ज़ूनोस डिजीज है इसका लेक्चर 5 के बारे में। आप सभी को 4 लेक्चर तक देख चुके होंगे। पहला मैंने बात किया था ज़ूनोसिस में, रैबिट डिजीज के बारे में, जिसमें मैंने बताया था कि ज़ूनोसिस होता क्या है। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि रैबिट किसके कारण से होता है, डेंगू फीवर किसके काटने के कारण से होता है। नेक्स्ट 3rd में बात किया था किसके बारे में कि मलेरिया, मलेरिया में कौन से जीनस थे, चारों जीनस का नाम बताइएगा कमेंट करके। ओके, इसके बाद आज जो हम बात कर रहे हैं चिकनगुनिया के बारे में, तो आपको कैसा लगेगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का कोशिश करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब सपोर्ट बहुत ज्यादा करें, लाइक करें, कमेंट करें। ओके, तो ज़ूनोसिस मैंने बताया था कि वैसा डिजीज है जो कि कोई भी पैथोजन जैसे वायरस, बैक्टीरिया, नॉन वर्टिब्राई एनिमल से अगर स्प्रेड होकर ह्यूमंस में होते हैं तो उस चीज को क्या बोलते हैं बाबू, ज़ूनोसिस डिजीज के नाम से जाना जाता है। तो अब जो बात करेंगे कि ज़ूनोसिस है क्या, तो या सॉरी आज जो बात कर रहे हैं ज़ूनोसिस में चिकनगुनिया के बारे में, यह चिकनगुनिया है या एक मॉस्किटोज बॉर्न वायरल डिजीज है जो कि सबसे पहले अफ्रीका में 1952 में देखा गया था, या एक आरएनए वायरस है जो कि बिलोंग करता है अल्फा वायरस से। किससे बिलोंग करता है वो, अल्फा वायरस से। सबसे पहले कहां देखा गया था चिकनगुनिया, तो ये आपके कहां देखा गया थे, अफ्रीका में। कब देखा गया था, 1952 में। और 2007-2008 में चिकनगुनिया इन्फेक्टेड द रिपोर्टेड फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द इंडिया। और 2007-08 आते आते हमारे इंडिया के डिफरेंट पार्ट से चिकनगुनिया का केसेस देखने को मिलने लगे। ओके, ये जो चिकनगुनिया है या एक वायरल डिजीज है जो कि ट्रांसमिटेड ह्यूमन बाय द बाइट ऑफ द इंफेक्टेड मॉस्किटोज, कि जो इंफेक्टेड मॉस्किटोज है इनके बाइट करने के कारण से या डिजीज जो चिकनगुनिया है ये स्प्रेड होते हैं। ओके, अब बात करते हैं इनक्यूबेशन पीरियड के बारे में कि इसका जो इनक्यूबेशन पीरियड है ये 2 से 12 डेज या मिनिमम 4 to 8 डेज होते हैं। कॉजेटिव एजेंट जो कि बार बार ये एग्जाम में भी आते हैं, ये चिकू या मेंबर है अल्फा वायरस जीनस का, और दूसरा है वायरस ये क्या, स्प्रेड बिटवीन द पीपल बाय द टो। टाइप्स ऑफ द मॉस्किटोज, फर्स्ट मॉस्किटोज एडेज अल्बोपिक्टस, दूसरा क्या हुआ वो एडेज एगैप्टी, जिसके कारण से ये एडिस एगैप्टिक के कारण से एलो फीवर कॉज करता है, और दूसरा मस्क्यूटो पहला क्या बता रहे थे एडिस एलोपिक्टस। ये दो तरह का मस्क्यूटो है जिसके बाइट करने के कारण से क्या होता है चिकनगुनिया कॉज करता है। अब यहां पे अगर बात किया जाए कि ट्रांसमिशन के बारे में, तो इट जनरली ट्रांसमिट फ्रॉम द मॉस्क्यूटोज टू ह्यूमन। अरे भाई, मॉस्क्यूटोज को काटने के कारण से ही हो रहा है तो मॉस्किटो से ही स्प्रेड करेगा ना जी। अब बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। चिल्स, ठंडापन देखने को मिलेगा, जॉइंट पेन, हेडेक, फटीगवे, कोल्ड फिंगर एंड टॉस, फीवर 104 डिग्री, येलो फीवर, फीवर अभी जस्ट नाम लिए थे, मसल्स पेन, नोजिया, रैश और एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ये सभी चीज आपके किसमें देखने को मिलते हैं बाबू, चिकनगुनिया के केस में देखने को मिलता है। डायग्नोस्टिक में क्या करवाएंगे, ब्लड टेस्ट, वो क्या सीबीसी करवाएंगे, एलिसा टेस्ट करवाएंगे, एलिसा टेस्ट में प्रेजेंस मिलेगा आईजीएम और आईजीजी एंटीबॉडीज कि कितना प्रेजेंट है और कितना नहीं है। ओके, तो आपको मजा आ रहा है तो कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि जितना ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतना ज्यादा मोटिव होगा। और आपके इसी चैनल पे दमदार सेशन आ रहा है जो कि हर सेमेस्टर वाइज लेक्चर रहेंगे, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम और बी फार्मा भी ला रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले, और हमारे जल्द ही एप्लीकेशन आने वाले हैं तो उसको डाउनलोड करना नहीं भूलिएगा। ओके, बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन के बारे में। यूवाइटिस हो सकते हैं, मायोकार्डाइटिस हो सकता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकते हैं, हेपेटाइटिस कॉज बाय द लिवर डैमेज, राइनाइटिस, इंसेफ्लाइटिस एंड सीजर, इन सभी चीज ये कॉम्प्लिकेशन में कॉज कर सकता है। मैनेजमेंट, चिकनगुनिया इज अ सेल्फ रिमाइंडिंग इलनेस, प्रोवाइड सपोर्टिव केयर हम दे सकते हैं, नॉन स्टेरॉइड, नॉन इन्फ्लामेटरी,
पेन किलर में एनालजेसिक, इम्यूनोथेरेपी, एडमिनिस्ट्रेशन एंटीचिको हाइपरेम यूमियन ह्यूमन एंड इंट्रावेनस एंटीबॉडीज ये प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइड आईवी फ्लूड देंगे, मॉनिटरिंग ब्लड प्रेशर एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये सभी चीज हम करेंगे चिकनगुनिया के प्रिवेंशन के लिए। अब बात करते हैं प्रिवेंशन, हम तो मैनेजमेंट कर दिए, मेडिकल मैनेजमेंट कर दिए, अब प्रिवेंशन क्या क्या करेंगे, तो वेयरिंग क्लॉथिंग टू कवर द ऑल योर बॉडी पार्ट्स, अप्लाई स्किन इंसेक्ट रिपेलेंट्स, ओके, व्हेन एवर पॉसिबल क्लोज विंडो, अगर विंडो वगैरह क्लोज कर दीजिए, अगर वैसे प्लेस पे रख रहे हैं जहां पे मॉस्किटोज वगैरह आते हैं ज्यादातर, तो वैसे से ये करेंगे, स्टे फ्रॉम द स्टेगेज वाटर एंड डू नॉट स्टोर वाटर इन द ओपन कंटेनर। अरे सिंपल सी बात है, वाटर को स्टोर करके नहीं रखना है, क्योंकि वाटर को स्टोर करके रखिएगा तो वहीं पे मॉस्किटोज वगैरह ज्यादातर ग्रो करते हैं, ओके। तो आई होप ये भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सपोर्ट करिए मेडिकल नर्सिंग डॉक्टर 2.0 को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर इतना ज्यादा प्यार और सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू।